कोई एब्सेंट हुआ तो क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो. फीस कलेक्शन ऑटोमेटिक. मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना. टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर. चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है. आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट. तो एक बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ और पूरी अपडेट आपको बताने वाला हूँ. केवल मात्र फाइनल ईयर के एग्जाम होने वाले हैं और जैसा कि आप टाइटल थंबनेल में देख चुके हैं किस यूनिवर्सिटीज की, ये बात मैं करने वाला हूँ. और पूरी अपडेट देखिए, आपको हिंदुस्तान लाइव से ये अपडेट आ रही है. और आप देख लीजिए समय भी और तारीख भी, मई 21, 2021 फ्राइडे 10:24 AM को ये अपडेट है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे. और पूरी अपडेट देखिए क्या है. लेकिन दोस्तों उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की यूजफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं. 10,000 सब्सक्राइब हमारे होने वाले हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर नहीं किया है. बहुत से दोस्तों ने कर ही नहीं देखा, 70% दोस्त ऐसे हैं सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा. चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और पूरी अपडेट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रही है. यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन 2021 कुलपति समिति का फैसला, यूपी में अंतिम वर्ष वालों की होगी परीक्षाएं. यानी दोस्तों केवल मात्र अंतिम वर्ष की ही परीक्षाएं की जाएंगी. जो पिछले साल की गाइडलाइंस थी उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो किया गया है. जो समिति बनाई गई थी, ये आप नीचे भी इसमें पढ़ सकते हैं कि जो 3 सदस्यीय समिति बनाई गई थी उसमें केवल मात्र ये फैसला लिया है कि केवल मात्र फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाई जाएं, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें बगैर परीक्षा के प्रमोट किया जाए. और इससे संबंधित जितने भी यूनिवर्सिटीज़ आते हैं, चाहे कानपुर विश्वविद्यालय हो, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय हो, महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली के कुलपति कृष्ण लाल पाल सिंह भी शामिल थे, तो ये जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी ने पिछले वर्ष के मॉड्यूल पर ही सहमति बनाई है और पिछले साल की तरह ही परीक्षाएं करवाई जाएंगी. तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और यहाँ से दोस्तों रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. बहुत जल्द हमारे 10,000 होने वाले हैं, जल्द से जल्द आप करवा दीजिए. मिलते हैं इस तरह के और नए वीडियोज़ के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.